वही ये रहीम क्या मांग रहे उसके तीन। हेलो गाइस, वेलकम बैक हो गया आप सबका अनदर व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत हूँ। तो आज फिर दोबारा से इतने दिनों बाद, यानी अभी तो बर्थडे का वाला व्लॉग आया था, उसके बाद अब मंडी का व्लॉग फिर दोबारा आ रहा है। आज मंडी है, बाड़े आ रहे हैं, मेरे दोस्त के कज़न का एक बाड़ा है, वहाँ पर आएँगे। मुजैफा है ना, उसके दोस्त का कज़न का बाड़ा है, तो वहाँ पर आएँगे, शायद रेट्स भी बताएँ और बाकी मंडी का विजिट करवाएंगे कि कैसी कैसी वहाँ पे गाँव है और बाकी दिखाएंगे सब कुछ। तो बस, और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें। तो बस यहीं से ब्लॉग को स्टार्ट कर, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो अभी तो नीचे आ रहे हैं, अभी तो थोड़ा बहुत जूस पी के थोड़ा सा सहारा कर दें, फिर आगे खाना वाना खाएंगे। तो क्योंकि थोड़ा सा जूस तो पी लें और ज़्यादा बड़ा ब्लॉग बनाऊँगा नहीं, क्योंकि 20 मिनट का पहले ब्लॉग बन गया था, इसलिए तो बस जूस पीते हैं और फटाफट से निकलते हैं। पैसे उठा भाई, जूस तो आ चुका है, मैंगो है, क्योंकि मैंगो तो आ चुका है। सब आप लोग को उसका टेस्ट बताते हैं, यानी कैसा है इसको। चीज़ तो बढ़िया लगी, चीज़ बढ़िया है, तो जल्दी जल्दी इसको फोड़ दो, फिर जब जा रहे होंगे जब मिलते हो, ठीक है। हमारे सब निकलते हैं फटाफट, लेकिन अभी डायरेक्ट ही जाएंगे बाड़े के, वो पहले पेट्रोल करवाना है गाड़ी में सेफ की, फिर निकलेंगे बाड़े। और रात से 3-4 दिन से प्रोग्राम बन रहा था, तो आज फाइनली आ रहे। पहले के संडे का प्रोग्राम था, पहले सैटरडे का, फिर संडे का, फिर आज मंडे का, फिर फाइनल हो गया कि आज जाएंगे पक्का। तो पहले अभी पेट्रोल पम्प जाएंगे, पेट्रोल पम्प जाएंगे, फिर वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और प्लाट का आप लोग को काम दिखाया, नीचे तो बहुत ज़्यादा है, बस साहब गाड़ी निकाला, फिर चलते देखो पूरा प्लाट दिखाते रहो, प्लाट खाली हो गया भाई, साहब लोग पहले गाड़ी लेके चलते हैं। आप ये आता फिर चलते हैं, इतने दिनों बाद आपको अरमान दिखने को मिल रहा होगा, अक्सर दिखता नहीं है ना, प्लाट है बैठते हैं अभी, तो यहाँ मोबाइल भी नहीं सुन सकते, पूरा अड्डा बन चुका है। पहले तो यहाँ पर पूरा सिरे बनाया था, लेकिन सारे पत्थर वो लेके चले गए, अभी यहाँ पर थोड़ी बहुत बैठक बनाई हुई हम लोगों ने, कहते हैं अब लाइट जाती है रात को, क्योंकि लोड शेडिंग बहुत हो रही है, आप लोग को पता है यहाँ पर कराची में, हमारे यहाँ कराची में पहले बस से अभी लोग जब आते हैं तो चलते हैं, मजा करते हैं। मिल चुके हैं हमें तो मजा, जो अपने ट्यूशन अरमान कुछ बोलना चाहते हैं, ये अपने ट्यूशन के 200 बच्चे के टच में जाता है ना, आओ ये बोला है पूरे एक महीने की फीस हम वसूल करेंगे। साहब आ गए भाई, साहब बताए ना आप क्यों अपनी फीस वसूल करते हैं, ये पिछले आया था, वो इस महीने जाके 2 दिन वसूल करेगा, पूरे कर रहे हैं, बकराईदारी है, फिर भी नहीं छुट्टी है, नहीं करनी है, दो गर्मी की छुट्टियां पर काम करना होता है, काम करना होता भाई, हमारा तो पूरा 9 मतलब कि खत्म हो गया ना अभी हमारा, तो भाई हम मैच करते बस कर दे 7 बजे तक, और वजह इनकी जाने की। फाइनली अब जा रहे हैं भाई, 6 बज चुके हैं, अब जा रहे हैं भाई, इतनी देर में देर से बैठे हैं, कब से जा नहीं रहे, अब फाइनली जा रहे हैं, कहाँ से इतनी देर से काम है, गाड़ी सही करवा रहे, अब आए तो अब जाएंगे फाइनली, गाड़ी सही कर रहे हैं, अब बंद कर ज़्यादा रास्ता दिखाऊंगा नहीं मुझे, यहाँ का बिल्कुल भी सही नहीं है, यहाँ पर मिल जाए रास्ते की वीडियो नहीं बनेगी, बस अब पहुँच के मिलूंगा, मुझे वैसे ही बड़ा लंबा ब्लॉग अच्छी बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अब पहुँच जाएंगे जब मिल रहा हम लोग, बलोच कैटल अंदर बाड़ा, अब दिखाई बड़ा है, बहुत बड़ा ही है माशाल्लाह, बहुत खतरनाक है, देखते हैं भाई अब जाफा कदन का बाड़ा, उधर कदन के बाड़ा एक जानवर है ना, जाफा कदन के, हमजा को हमजा पहले भी आया हुआ, इसलिए हमजा लेकर आ गया, वरना हम तो पहली दफ़ा ही आते, माशाल्लाह अच्छा है ये जानवर, अच्छा वही ये रहीम रहीम का इस साल काटेगा नहीं ना, माशाल्लाह ये भाई बंदे के अंदर चावर गली में रिंदे रहता हम जा वो ये तो हेलो रे, वाला ब्राउन वाला ये वाला वो तो रहीम का लग रहा है, वो ऐसा पिछले साल वाला जैसा काटा नहीं था पिछले साल, यही भी लागे खड़ा था भाई पूरा कैटर अंदर तक पहले लेके जाता है, फिर पूछेंगे रेट सेम का, ये सेम तो बोला था 20-20 जानवर है, हाँ। तो कम से कम कितने का होगा यार, ये हमसे देखो बैग, इसी देखो यार बैग वाले है भाई, बहुत माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े जानवर हैं इसके, ये वाला ब्यूटी, इसकी भी ब्यूटी बहुत है यार, बड़ा है,
क्या पक रहे खड़े आगे तक जाएंगे पूरा आगे तक पागल पागल वो काटेगा वो नीम का है वो नीम का बाड़ा था काला वाला सबसे मैंने पूरी मैंने मंडी में बाड़े में सबसे बड़ा बिक गया होगा वो तो क्योंकि दिख तो रहा नहीं है इससे बड़ा मामा इसके क्या रेट मांगे इसके इसके वाइड वाले अरे यार सारे यहाँ पे ख़त्म हो गया जाए सबसे बड़ा आगे तक आ गया कितने मांग रहे साढ़े तीन लाख हजार तक लंबी हुई हुई थी इसको रिकवर हुआ क्या मांग रहे इसके तीन हैवी भाई हैवी तुम तो ले यहाँ पे सस्ते रेट होंगे दोनों भाई दोनों दोनों के लाख लाख रुपए मांग रहे हैं इसपे साहब भाई का टाइम छोड़े अरे उस पर इसका थंबनेल ले ले यार थंबनेल अच्छी आएगी सर सिनेमैटिक्स बनते हैं ना फिर सिनेमैटिक्स बनते तो बस इसके सिनेमैटिक्स عليهم قلت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى थोड़ा बहुत और फिर चलते हैं आज टाइम होने वाला क्योंकि उन लोग की वजह से लेट होगा हम लोग ये भी अच्छा है ये भी अच्छा है जो वीआईपी आईपी है ना वो बंद कीजिए अंदर गाय कहाँ देख रही हो गाय वहीं देख रही हो यार बस बहुत दिखा बस थंबनेल लेते हैं अबे बैड ये कब से हम इसके थंबनेल लेने का सोच रहे हैं घर पे लेके आने का दिल चाह रहा है फाइनली दुआ खड़ा हो गया अब इसके साथ लेंगे हम खाने के लिए खड़ा हुआ लेकिन तो खाना खा ले फिर लेंगे साथ में खाना खा लिया लेकिन अब इसके साथ हमने नहीं लेंगे इसी के साथ ले लिया भाई थंबनेल के लिए शूट हो रहा है शूट दिखा देते हैं थंबनेल तो ले लिया है चलो भाई बस चल रहे हैं अभी अभी गए वो दुखनू उतारने गए छत पे बने छठी वाले को उतारने गए बस चलो भाई वो लोग तो भाग गए पूरे आ रहा हूँ भाई रुक जाओ निकल लो ना कौन सा बनाने का हमने टिकटॉक विकटॉक सब बना लिए लेते भाग गए उन लोग से बहुत टिकटॉक विकटॉक बनाई तो बस चलते हैं यहाँ बस यही पर बड़ा एक दफ़ा देख लो बस अब चलते हैं बहुत बना लिए लोग यहाँ से भैंसा ये तो भागो चलो बस सब अल्लाह से देते हैं यहाँ बाड़ा में दिखा रहा हूँ पूरा बाड़ा भाई बलोच कैटल था दिखा दिया था फिर दोबारा पहुँच गया बड़ा बलोच कहते स्वामी सिस्टर से तुम डेली भी आ सकते हैं हेलो भाई कैसे हो
पहुँच के मिलता हूँ। अजान के बाद बात करो। इतना थको आ क्या आ गए घर पे, बस अब घर पे आते हैं और ब्लॉग में निकल देंगे। और कहाँ लगा घर पे तो हाँ मेरे वाले सारे आनी घर पे गए मैं ताला खोलते हैं और ब्लॉग एंड करते हैं। ठीक है, आज उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। यानी आज का बाड़े का ब्लॉग था, यानी वो बंदा ही नहीं था मेरे, तो मतलब कि हुज़ैफ़ा का कज़न ही नहीं था, वरना उसका प्राइस वाइज भी पता चल जाते। तो बस उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो पता लाइक शेयर कमेंट कर देना। और अगला ब्लॉग शायद अभी JDC का पूरा मन रहा है, शायद JDC के भी जानवर देखने आए। तो बस इस वीडियो पर अगर पूरा सपोर्ट हुआ और 10 लाइक्स का टारगेट देता हूँ, व्यूज़ तो आया था अच्छा। अगर व्यूज़ का टारगेट देते हैं, अगर 50+ व्यूज़ आ गए तो मैं अच्छी करूँगा। तो अगर 50+ व्यूज़ आ गए तो इंशाल्लाह, अगर एक दिन में आ गए यानी 2 दिन में, जितने भी दिन में आए, वैसे तो कल का प्रोग्राम बन रहा है, तो अगर आ गए तो फिर JDC का व्लॉग आ जाएगा अगला। तो बस उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पर कर देना। बस मिलूंगा इसकी नेक्स्ट वीडियो में। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया था, अभी फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम की आईडी होगी। और मैं लगे थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, चलो शाबाश, शाडो।